वेलकम एट यूनी रीडर्स। इस वीडियो के अंदर हम गुप्ता जो एम्पायर है उसका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारी सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, इस प्लेलिस्ट से आप यहाँ पे जाके पूरी पूरी स्लाइड हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। गुप्ता एम्पायर सर्च करोगे, गुप्ता एम्पायर यूनी रीडर्स, तो ये फर्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। सारी सारी प्लेलिस्ट हमने शुरू में एम्बेड कर रखी है, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो जहाँ भी आप जो कर सकते हैं ना, प्लीज़ हमारे लिए कीजिए। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू इफ़ यू विल शेयर आवर कंटेंट, ओके। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। द गुप्ता पीरियड विटनेस अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, बहुत ही ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हुए इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड अकाउंट्स, और इस वजह से इसे गोल्डन एज बोला जाता है। फ्यू स्कॉलर्स इसे इवन कॉल दिस पीरियड अ पीरियड ऑफ रेनेसा, रेनेसा का पीरियड बोलते हैं इसे। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इससे पहले कोई डार्क पीरियड नहीं था गुप्ता पीरियड से पहले, तो यहाँ पे रेनेसा का वर्ड यूज़ करना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। Therefore, the cultural progress witnessed during the Gupta period may be called the culmination of the Indian intellectual activities. अब हम आर्ट एंड बात की, आर्ट एंड कल्चर जो है गुप्ता एम्पायर के बीच में कैसा था वो देखते हैं। इन द हिस्ट्री जो गुप्ता पीरियड है ना, गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे जो नगरा और द्रविड़ा स्टाइल बोथ, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बोथ नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल आर्ट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट मोस्ट आर्किटेक्चर ऑफ दिस हैज़ लॉस्ट ड्यू टू द हुन इन्वेजन। यहाँ पे नगरा और द्रविड़ा दोनों स्टाइल का इवॉल्व हुए इस टाइम पे, बट बोथ हैज़ लॉस्ट ड्यू टू द हुन्स इन्वेजन, येट द रिमेनिंग टेम्पल स्कल्पचर केव पेंटिंग्स प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द ग्रैंडर ऑफ द गुप्ता आर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर टेम्पल ऑफ देवगढ़ झांसी के पास, स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गरवा नियर अलाहाबाद रिमेन इम्पोर्टेंट स्पेसिमेन। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिमेन है वो जो स्कल्पचर हैं गरवा अलाहाबाद के पास, जो गरवा है उसके पास जो टेम्पल है उसके जो स्पेसिमेन रखे हुए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है गुप्ता आर्ट के लिए। एंड मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, नो इन्फ्लुएंस ऑफ गंधारा आर्ट। ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे क्वेश्चन में आ सकती है दैट देयर वॉज नो इन्फ्लुएंस ऑफ गंधारा आर्ट ऑन द गुप्ता आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्ट। गुप्ता के अंदर गंधारा का कोई भी वो नहीं था, इफेक्ट नहीं था, गंधारा आर्ट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। ये क्वेश्चन एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट हो सकता है, तो इसका बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसी स्टेटमेंट आएगी, देर वॉज नो इन्फ्लुएंस ऑफ द गंधारा स्टाइल, क्या क्वेश्चन में था या नहीं था, बस सिर्फ इतनी सी बात होती है और इतनी सी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। बट द ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ द स्टैंडिंग बुद्धा एट मथुरा रिवील्स अ लिटिल ग्रीक स्टाइल, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ग्रीक स्टाइल लगता है, लेकिन गंधार स्टाइल इसमें नहीं है। एक स्टैचू मिला हमें बुद्धा स्टैचू, और ये कहाँ मिला है, स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू एट मथुरा, इसमें हमें थोड़ा सा ग्रीक स्टाइल मिलता है। बुद्धा स्टैचू एक मिला हमें सारनाथ के अंदर, ये एक यूनिक पीस है गुप्ता आर्ट का। अब बात करते हैं भीतरी मोनोलिथिक पिलर, ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भीतरी मोनोलिथिक पिलर किससे रिलेटेड है, तो ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। मेटलर्जिक जो हमारी थी, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये जो पिलर है इसको अभी तक जंग नहीं लगा। क्राफ्ट्समैन वर एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ कास्टिंग मेटल एंड पिलर्स। जाइगेंटिक कॉपर, एक हमारा जाइगेंटिक कॉपर स्टैचू है बुद्धा का जो सुल्तानगंज से मिला है, नाउ बिरमिंघम म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, जो कि हाफ फीट 7.5 फीट का है, 1 टन का है। उसके बाद एक और हमें मिला है दिल्ली आयरन पिलर ऑफ गुप्ता पीरियड, फ्री फ्रॉम रस्ट, कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी थी कि उस टाइम का बनाया हुआ उसको अभी तक जंग तक नहीं लगा, और इतनी उसने बारिश झेल ली है, इतनी धूप झेल ली है, सेंचुरीज के बाद भी वो ऐसे कैसे है, इससे हमारी मेटलर्जिकल स्किल्स के बारे में पता लगता है। जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं गुप्ता पीरियड की, जो हमें पेंटिंग्स है वो बाघ केव में मिलती है नियर ग्वालियर। यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बाघ केव कहाँ है। बाघ केव मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर के पास। जो मुरनोल पेंटिंग है अजंता की, जिसमें कि बुद्धा की लाइफ को दिखाया गया है जातक स्टोरीज की फॉर्म के अंदर। तो मुरनोल पेंटिंग जो अजंता के अंदर मुरनोल पेंटिंग है, क्या वो गुप्ता से भी रिलेटेड है? तो हाँ, इसका क्वेश्चन आएगा यस, कि वो गुप्ता से भी रिलेटेड है। और ये आ गया
और जो सिगिरिया है श्रीलंका के अंदर, उसकी जो पेंटिंग है वो भी अजंता स्टाइल से इन्फ्लुएंस है। गुप्ता कॉइन की अगर हम बात करें, गुप्ता कॉइन भी ऑल्सो रिमार्केबल है। समुद्रगुप्त इशू 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन, समुद्रगुप्त ने 8 टाइप के गोल्ड कॉइन इशू किए जो उसके ऊपर लीजेंड थे। दे थ्रो आ मच लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द मार्वलस किंग, द फाइट फिगर्स इंस्क्राइब ऑन दैम इज इलुस्ट्रेटिव ऑफ स्किल्स एंड ग्रेटनेस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट। चंद्रगुप्त टू एंड हिज सक्सेसर हैड ऑल्सो इशू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन ऑफ डिफरेंट वराइटीज। ये होता है। सो इसके अंदर हमने डिस्कस किया है गुप्ता आर्ट को। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर को। तब तक के लिए आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक आर कंटेंट प्लीज़ शेयर इट ऑन फेसबुक ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिए सोशल मीडिया के अंदर। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू एंड प्रमोट आवर वेबसाइट एज वेल एज आवर यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू।